हमारी चैनल सॉल्यूशन बाय सार्थक को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन पे भी टैप करें ताकि हमारे मोबाइल रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूं सार्थक एंड आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक कमाल की यूजफुल सभी के लिए ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। वो ऐप का नाम है इरेजर और ये ऐप जो है वो काफी बारीकी से अपने नाम के हिसाब से ही आपका बैकग्राउंड जो है वो बड़े ही आसानी से इरेज कर देती है और आप जो है एकदम परफेक्टली आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से हटा सकते हो यही ऐप से। तो ये ऐप जो है वो साइज में भी बहुत छोटी है, 10 MB से भी बहुत छोटी साइज है। तो आप जो है वो 5000 से लेके कोई भी मतलब कोई भी फोन में आप इसको बड़ी आसानी से स्मूथली चला सकते हो। बहुत ही लो साइज वाली ऐप है। और दोस्तों, मैं इस ऐप से बहुत सारे काम करता हूँ और इस ऐप से मेरा जो यूट्यूब के वीडियो का थंबनेल है वो भी बहुत आसानी हो गया है बनाना मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले जो है वो पिक्सार्ट से थंबनेल बनाता था और वहां पे टाइम लगता था बनाने में, लेकिन ये ऐप से जो है वो बहुत ही आसानी से मैं अपना फोटो कट करके थंबनेल में लगाता हूँ। आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि मैं ये कैसे करता हूँ, तो मैं ये इस ऐप से करता हूँ। और जो उसके ऊपर आउटलाइन है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं पिक्सार्ट में सेट करता हूँ। तो अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए कि अब आपको वीडियो वो देखनी है, तो मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा पिक्सार्ट के ऊपर। तो ये इरेजर ऐप जो है वो बहुत ही छोटी है और यहाँ पे कुछ एकदम लिमिटेड आपको टूल्स दिए हुए हैं, तो वो टूल्स आप कैसे यूज करना है वो आप ये पूरी वीडियो देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फोटो को कट करना है। आप वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा फिर यहाँ पे कुछ टूल्स ऐसे हैं। तो यहाँ पे आप ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि आपका बैकग्राउंड। और हाँ, इसमें एक चीज है कि आपका बैकग्राउंड जितना सिंपल हो उतना अच्छा होगा, आपको आप बड़ी आसानी से उसको रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको मोबाइल में जाकर दिखाता हूँ कि इस ऐप को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, ये रही वो ऐप इरेजर, इसको जाकर डाउनलोड कर दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको करना है। फिर आपको यहाँ पे पहला चार ऑप्शन में से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लास्ट वाला लोड फोटो करना है। फिर आप अपना जो भी फोटो एडिट करना चाहते हैं वो उठा लीजिए। तो ये रहा, और आपको अगर उसको क्रॉप करना है तो भी कर दीजिए, और अभी मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है क्रॉप करने की। फिर आप यहाँ से सीधा डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको एकदम सिंपल बैकग्राउंड वाला फोटो हो तो आप ऑटो से बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक में। तो आप देखिए ये फोटो में बहुत ही एकदम सिंपल बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप वो कलर पे ले जाएंगे तो उसके जैसा जितना भी कलर होगा फोटो में से वो निकल जाएगा। अभी देखिए, तो ऐसे हमको छोड़ देना है। तो देखिए, फिर अगर यहाँ पे रह जाता है तो हमें यहाँ पे लाकर फिर छोड़ देना है। तो ये देखिए, लेकिन फिर भी छोटा छोटा रह जाता है तो आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं। यहाँ पे बाजू में जो मैनुअल का ऑप्शन है उस पर ले जाकर आप यहाँ से जो है वो इरेजर की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं ऐसे। तो अभी इसको बड़ा करके, सॉरी, इसको बड़ा करके यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। और आप भले ही इसको रिमूव करें लेकिन आपको साइड में, आपके फेस के साइड में आपको छोटी छोटी यहाँ पे गलतियाँ दिखेगी, तो ये भी आपको ठीक करना बहुत आसान है। अगर आपका कोई इरेज ना करना हो, ऐसा ही हिस्सा जो है वो इरेज हो गया हो, तो आपको यहाँ पे रिपेयर करना है। रिपेयर पे जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे फिर आप जो है वो उस पर आप फिर से ये ले जाओगे तो वो हिस्सा रिपेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे, और फिर आप उसको मैन्युअली अपने हिसाब से कर सकते हो। और वो हिस्सा रिमूव इसलिए हो गया था क्योंकि जो मेरी बैकग्राउंड का कलर था वो मेरे कान का थोड़ा बहुत मैच हो रहा था, तो इसलिए वो हिस्सा भी थोड़ा निकल गया। तो ये भी बहुत आसान है, इसलिए आप ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान था। और बाकी ऐप्स में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा अगर आपका बैकग्राउंड सिंपल है तो आप फोटो खींच के पीछे जो है वो बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड लगवा सकते हैं। तो बस जैसे ही फोटो रेडी हो जाए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डन करना है। और एक कुछ और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए, नीचे से तो आप उसकी जो साइज़ है इरेजर की वो छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर से जो है वो इरेजर और आपके जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ऐसे ये चीज़ थी मैंने आपको बता दी। तो बस इसके बाद आपको डन करना है। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत रह गया है तो वो निकल जाएगा। देखिए कैसे, 1 का मतलब है कि वो थोड़ा ज़्यादा है, फिर अगर आप 2 पे करेंगे तो वो थोड़ा निकल जाएगा, और अगर आप 5 पे कर देंगे तो देखिए बहुत ही कम हो गया ऊपर का। तो जैसे 0 पे बहुत ज़्यादा था और 5 पे आप बहुत कम हो गया, तो वो अगर आप इरेज करते समय वो रह गया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही आप फिर यहाँ से सेव कर सकते हैं ऊपर से। बस सेव हो जाए उसके बाद आप यहाँ से जो है वो फिनिश कर सकते हो। और आप अगर यहाँ से आपको कोई बैकग्राउंड लगाना है तो नीचे वाले 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिनिश ही अच्छा रहेगा। तो अभी मैं फिनिश करता हूँ। तो बस फोटो जो है वो गैलरी में सेव हो गया है। और
जो मैं फोटो में अपने फोटो में आउटलाइन कैसे लगाता हूँ व्हाइट कलर की, तो उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये ऐप पसंद आई होगी और आप इसको यूज करना भी बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको पिक्सआर्ट के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन दबाकर स्क्रीन पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।